क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में डोरेमोन को किस रीजन से बैन किया गया है? और दोस्तों क्या आपको पता है कि शिनचैन को इंडिया में कब से कब तक और किस लिए बैन किया गया था? और दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि नोबिता की शादी में डोरेमोन क्यों नहीं आया? यार ये सब फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना, और वीडियो के एंड में मैं आपको शिज़ुका का एक ऐसा सीक्रेट फैक्ट बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि डोरेमोन को पाकिस्तान में क्यों बैन किया गया था। तो यार पाकिस्तान में भी डोरेमोन को हिंदी में लॉन्च किया गया था, जिस रीजन से उन लोगों को लगता है अगर वहाँ के बच्चे हिंदी में शो देखेंगे तो वो इंडिया की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। भाई उन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि ऐसा नहीं होता? अगर ऐसा होता है तो 24 घंटे टीवी पे इंग्लिश फिल्में दिखाए, जिससे कि वहाँ के बेल बुद्धि क्रिकेटर्स भी इंग्लिश बोलना सीख जाए, जिससे उनकी बेइज्जती तो कम होगी। दोस्तों आपने डोरेमोन में देखा होगा कि नोबिता आंट से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन दोस्तों इसका रीजन क्या है? तो यार इसका रीजन है कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे इन जीवों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और डोरेमोन को सबसे ज्यादा बच्चे ही देखते हैं, इसलिए शो के क्रिएटर्स उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें सभी जीवों की मदद करनी चाहिए, उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि शिनचैन को इंडिया में कब से कब तक और किस लिए बैन किया गया था। तो यार दोस्तों इंडिया में शिनचैन को 2008 में बैन किया गया था, क्योंकि इसका रीजन था शिनचैन की कुछ वियर्ड हरकतें, जैसे कि शिनचैन कहीं पे भी अपने कपड़े उतार देता था, अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानता था और अपने टीचर्स को भी कुछ भी बोल देता था, अपने फ्रेंड्स को भी कुछ भी बोल देता था, उनके साथ कैसे भी मस्ती करता था और तो और अपनी से बड़ी लड़की को दिल दे बैठा था। इन सभी रीजंस के कारण बच्चों पे इसका गलत असर पड़ रहा था, जिस कारण से इंडियन पेरेंट्स काफी ज्यादा नाराज थे और उनके फोर्स करने पर इंडियन गवर्नमेंट को शिनचैन को बैन करना पड़ा। फिर इसके बाद 2009 में शिनचैन को फिर से रिलॉन्च किया गया, जिसे कि इंडिया के हिसाब से लॉन्च किया गया, जिसमें सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया गया। और अब तो आप लोगों को पता ही है कि शिनचैन की इंडिया में कितनी दीवानगी है। वैसे दोस्तों आप लोग डोरेमोन के फैन हो या शिनचैन के, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात करते हैं कि डोरेमोन नोबिता की शादी में क्यों नहीं आया। यार इसका रीजन ये है कि जब शिरवासी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़ने के लिए आया था, तब डोरेमोन उसके पास रुकने से मना कर देता है और डोरेमोन वापस शिरवासी के साथ जाना चाहता था, जिसके बाद शिरवासी ने डोरेमोन की नाक में एक टाइमर सेट किया था, जिस रीजन से डोरेमोन जब तक फ्यूचर में नहीं जा सकता था जब तक कि डोरेमोन नोबिता का फ्यूचर अच्छा न कर दे, जिसके बाद डोरेमोन को ना चाहते हुए भी नोबिता के पास ही रुकना पड़ा। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि डोरेमोन ने नोबिता का फ्यूचर किस तरीके से बदल दिया। तो यार नोबिता का फ्यूचर चेंज करने के बाद डोरेमोन का टाइमर भी खत्म हो गया, जिसके बाद उसे फ्यूचर में वापस जाना पड़ा और वो कभी भी पास्ट में नहीं आ पाया। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो में थोड़ा भी मजा आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार अब एंड में बात करते शिज़ुका के एक ऐसा सीक्रेट फैक्ट की, जिसे जानकर आप पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाओगे। तो यार वो फैक्ट ये है कि आपने देखा होगा कि नोबिता शिज़ुका से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जितना प्यार नोबिता शिज़ुका से करता है उससे कई गुना ज्यादा प्यार शिज़ुका नोबिता से करती है, लेकिन बस शिज़ुका ने कभी नोबिता से कहा नहीं। शिज़ुका का ये प्यार हमें शो में देखने को मिलता है, जब सभी नोबिता को परेशान करते हैं तब शिज़ुका ही उसका साथ देती है। और आपने देखा होगा कि जब नोबिता पे कोई मुसीबत आती है तो शिज़ुका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यार अब आज के लिए बहुत हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।